तो भाई YouTube पे 120 मिलियन प्लस डेली एक्टिव यूजर्स हैं। अब जब भाई 120 मिलियन प्लस डेली एक्टिव यूजर्स हैं तो क्रिएटर्स की भी कोई कमी नहीं है। डे बाय डे नए चैनल ओपन हो रहे हैं और नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं ताकि हम भी वायरल हो जाएं। अब ऐसे में दोस्तों यूट्यूब पे है कि वीडियोस भर भर के बन चुकी हैं चाहे किसी कैटेगरी में हो, और जो क्रिएटर्स नए आ रहे हैं वो तो और ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि हम भी वायरल हो सके। अब इसके वजह से कॉम्पिटिशन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पर आके भाई टॉप लेवल की कॉम्पिटिशन हो चुकी है। अब अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पर आना बाकी हैं, यूट्यूब पर आएंगे अगले 2-4-5 सालों में, या फिर अभी कुछ चैनल ओपन होने वाले हैं अगले सालों में। तो भाई जो भी YouTube पे अभी आ रहा है उसको सबसे पहला प्रॉब्लम होगा भाई कंटेंट अपलोड करने के बाद, वो है कंपटीशन का। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप कितने भी अच्छे वीडियो अपलोड कर लो उससे भी नेक्स्ट लेवल की वीडियो ऑलरेडी YouTube पे है, उससे भी नेक्स्ट लेवल की वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। तो भाई कॉम्पटिशन अभी बिल्कुल भी मतलब हाई लेवल पर है यूट्यूब पर। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि जो नए क्रिएटर्स आ रहे हैं वो YouTube पे ग्रो नहीं कर सकते हैं, भाई वो आपके ऊपर है कि आप कैसे कंटेंट प्रोवाइड करते हो। तो भाई आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि YouTube के अलावा कोई ऑप्शन है आपके पास कि भाई YouTube अगर कंपटीशन हाई है तो हमारे अंदर जो टैलेंट है उसको किसी और प्लेटफॉर्म पे दिखा के हम फेमस हो जाएं। तो भाई आपके लिए नेक्स्ट चीज़ आती है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई 2021 के हाई लेवल के कंपटीशन को देखते हुए आपको YouTube के साथ साथ एक चीज़ और करना चाहिए जो कि है ब्लॉगिंग। अब भाई जिनको भी नहीं पता है कि ब्लॉगिंग क्या होता है उनके लिए एक छोटा सा ओवरव्यू। तो भाई ब्लॉगिंग आप बोल सकते हो एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि आप लोगों को लिख के अपना कंटेंट प्रोवाइड करते हो, उनको अपनी बात समझाते हो। अब सपोज दैट आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करके आप तक पहुँचा रहा हूँ, मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं। अब जो भाई मैं चीज़ बोल रहा हूँ उसको मैं लिख भी तो सकता हूँ और लिख के आपके पास पहुँचा सकता हूँ, आप सर्च करके उसको पढ़ सकते हैं। तो इसी लिखने की चीज़ को हम ब्लॉगिंग कहते हैं। तो भाई ब्लॉगिंग आपके पास करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, वर्डप्रेस है, जुमला है, लेकिन भाई हम जो आज इस वीडियो में बात करेंगे वह है ब्लॉगर। अब भाई मैंने ब्लॉगर को ही क्यों चुना जो कि गूगल का प्रोडक्ट है। तो देखो भाई अगर आप वर्डप्रेस पे अपना ब्लॉगिंग बनाते हो तो उसमें आपको डोमेन नेम परचेस करना पड़ेगा, होस्टिंग परचेस करना पड़ेगा, थीम्स भी परचेस करना पड़ेगा, प्लगइन्स भी, ये सारी चीज़ें परचेस करते करते आपका तो भाई ब्लॉगिंग का मतलब शुरुआती में ही तहस नहस हो जाएगा। क्योंकि भाई लगभग अगर शॉर्ट में भी लेकर चलोगे तो आपको 5 से 6 हज़ार या फिर 8-10 हज़ार तक आपका चला जाएगा एक ब्लॉगिंग क्रिएट करने का। और भाई शुरुआती में तो कोई ट्राइपॉड माइक खरीद ले यूट्यूब के लिए वही बेहतर है, और ब्लॉगिंग के लिए तो क्या ही करेगा वो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लॉगर के लिए आपको सिर्फ एक डोमेन नेम परचेस करना होता है जो कि आप डॉट इन लेते हैं तो शायद 99 रुपीज़ का मिल जाता है, अभी ऑफर में है, या फिर 499 रुपीज़ का मिलता है। तो आपको सिंपली से ब्लॉगर में एक डोमेन परचेस करके लिंक कर देना है और वहाँ पर आप कंटेंट बना सकते हैं। तो भाई अब बहुत बात हो चुकी ब्लॉगर की, अब हम बात करते हैं कि आपको ब्लॉगिंग क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों YouTube पे कंपटीशन को देखते हुए हमें ब्लॉगिंग जरूर करना चाहिए जब भी हमारे पास टाइम मिले YouTube के अलावा, या फिर आप मेन में ब्लॉगिंग ही कर सकते हैं, ऑप्शनल में आपके पास YouTube होना चाहिए। अब भाई दूसरा जो बात आता है वो है कुछ लोग ऐसे हैं जो YouTube वीडियो नहीं बना सकते हैं, या तो उनको रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम है, या फिर वो बोलने में कंफर्टेबल नहीं, या फिर उनके घर वाले अलाउ नहीं करते हैं कि तुम यूट्यूब पर काम करो, तो उनके लिए ब्लॉगर बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि आपको सिर्फ कंटेंट लिख के प्रोवाइड करना है। और दोस्तों अगर हम बात करें तीसरी चीज़ की, तो वैसे लोग जिनको वीडियो कंटेंट से ही प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि सारी चीज़ें वीडियो टिकटॉक के जैसी हैं, इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ पढ़ने से आता है, तो भाई आप भी ब्लॉगर पे काम कर सकते हो क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो पढ़ने से आता है, तो आप ब्लॉगर पे काम करो। तो ये तीन कारण हैं जिसकी वजह से आपको ब्लॉगिंग करना चाहिए। तो अगर आप मेरी राय पूछोगे कि भाई ब्लॉगिंग बेस्ट है या फिर यूट्यूब बेस्ट है, तो देखो दोनों अपने जगह पर बेस्ट है, लेकिन अब आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, आपको ब्लॉगिंग करना है या यूट्यूब करना है। तो भाई कुछ लोगों के दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि YouTube करने से पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिलती है, ब्लॉगिंग करने से नहीं मिलती है, या फिर अर्निंग का भी कोई सवाल है। तो भाई मैं बोलूँगा दोनों प्लेटफॉर्म सेम है और यहाँ पे पॉपुलैरिटी और अर्निंग भी सेम ही होती है, इवन कि मैं कहूँगा ब्लॉगिंग पे अर्निंग ज़्यादा होती है इन कम्पेयर टू YouTube। और फाइनली हम बात कर लेते हैं मेरे ओपिनियन की कि मेरे हिसाब से यूट्यूब बेस्ट है या फिर ब्लॉगिंग बेस्ट है। तो दोस्तों मैं यूट्यूब पे भी काम करता हूँ और ब्लॉगिंग पे भी काम करता हूँ, तो मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा कि ये गलत है वो सही है, दोनों सही है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। हालांकि हमारा ब्लॉगर पे एक पेज भी है जो कि बहुत जल्द आने वाला है, आपको वहाँ पे भी कंटेंट देखने को मिलेगा। तो आपको ब्लॉगिंग अच्छा लगे तो ब्लॉगिंग कीजिए, यूट्यूब अच्छा लगे तो यूट्यूब कीजिए, लेकिन कंटेंट क्रिएट कीजिए और जम के मेहनत कीजिए और
सफलता आपके हाथ में। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आ रहा है, पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं YouTube और अर्निंग रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।